कलर को लेकर काफी लोग ऑब्सेस्ड हैं। मैं क्लोथ कलर की बात नहीं कर रही हूँ, स्किन कलर की। बेसिकली इंडियन सोसाइटी में ये तो हमेशा से रहा है, कौन कैसा दिखता है, कलर क्या कॉम्प्लेक्शन में है एंड व्हाट नॉट। बट डू यू नो दिस कलर कॉम्प्लेक्शन एक्चुअली हेल्प्स यू इन योर स्किन केयर एंड यस विद योर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो। कैसे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्शन को लेकर तरह तरह की बातें तो होती रहती हैं। चलो मिट्टी डालो उन सब पे, वो सब बातें हमें नहीं करनी। जो जैसा दिखता है, ईच एंड एवरीवन इज ब्यूटीफुल। बट यस, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो कि आप कौन से कलर कॉम्प्लेक्शन के अंदर में फॉल करते हैं। क्या आप टाइप 1 हैं या आप टाइप 6 हैं, कौन सा है आपका टाइप एंड ये टाइप्स डिसाइड कैसे होते हैं। सो फॉर दिस देयर इज अ स्केल कॉल्ड फिट्ज़पैट्रिक स्केल। उसके अंदर में ये 6 टाइप्स आते हैं, दैट इज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एंड टाइप 6। ये 6 टाइप स्किन टोन कलर कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कितनी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी या आपको बेसिकली हाउ मच एनर्जी डू यू नीड टू कीप अपने लेजर के लिए हो, एमडीए के लिए हो, ऑक्सीजनों में हो, हाइड्रा के लिए हो, व्हाटसोएवर। कौन सा ट्रीटमेंट किसको बेटर सूट करेगा, कौन से ट्रीटमेंट में किसको कितना एनहांसमेंट मिलेगा, एवरीथिंग दिस चार्ट टेल्स यू। एंड ऑल्सो यस, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन डिसाइडिंग आप स्किन केयर का रूटीन कैसे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टाइप 1, अगर हम टाइप 1 से शुरू करें तो टाइप 1 के अंदर में लाइट दैट इज वेरी फेयर वाइट पीपल आते हैं, जो बेसिकली सन दैट इज यूवी जो हमारा सन के थ्रू हमें डैमेज होता है, या बेसिकली नॉट बिकॉज ऑफ सन बट उसकी हीट की वजह से, उसकी यूवी रेडिएशंस की वजह से वो कितना अफेक्ट करता है। तो नंबर 1 के अंदर में वो डायरेक्ट बर्न करता है, टैन नहीं, तो वहां टैनिंग नहीं हो रही है बट बर्निंग हो रही है। सो व्हाट दे हैव टू डू, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सनस्क्रीन, ताकि वो खुद के टोन को हमेशा प्रोटेक्ट कर सके, नॉट बिकॉज कि उन्हें टैनिंग से बचना है बट उन्हें बर्न से बचना है। एंड ऑल्सो ये लोग ज्यादा प्रोन होते हैं सन डैमेज से, स्किन बर्न से एंड इवन मेनी अ टाइम्स स्किन कैंसर से भी। वही बात करें नंबर 2 की, दैट इज टाइप 2, दे कम अंडर वाइट एंड फेयर, नॉट वेरी फेयर बट फेयर होते हैं ये लोग। बर्न तो करते हैं बट स्लाइटली टैन आउट भी होते हैं। सो इनका जो स्किन केयर का रूटीन फॉर्म होगा, इसमें मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। एक्टिव यूज होंगे सिर्फ ऑन द स्पॉट्स, जहां पर रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। एंड यस, ये लोग भी प्रोन है फॉर द बर्न, फॉर द स्किन कैंसर मोर। देन वी शिफ्ट टू द टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 3 के अंदर में हमारे आ जाते हैं लोग जो कि मीडियम टू ऑलिव टोन है। मीडियम टू ऑलिव, जिसे हम अगर कहीं इंडियन भाषा में गेहुआ, याद आया, कुछ ऐसे ही बोला जाता है ना। सो वो वाले टोन के टाइप आते हैं टाइप 3 में। ओके, ये वाले जो लोग हैं ये टैन आउट करते हैं बट बहुत स्लाइटली, बहुत एक्सेसिव हीट में ही बर्न कर सकते हैं, यूजुअली नहीं। ये लोग लेस प्रोन है टू स्किन कैंसर बट कंप्लीटली अवॉइडेड नहीं है। इन लोगों का जो स्किन केयर है ये मोस्टली टारगेट होता है पिगमेंटेशन के लिए, तो सन प्रोटेक्शन एंड पिगमेंटेशन जो डिसऑर्डर्स है उनसे प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों का स्किन केयर आपको डिजाइन करना है। देन कम्स द नंबर 4, दैट इज द ऑलिव कलर। ऑलिव के अंदर या व्हीटिश के अंदर या लिटिल डार्क फ्रॉम द व्हीटिश, ऐसे जो टोन्स हैं बेसिकली एवरी इंडियन आपको इसी टोन में मिलेंगे मैक्सिमम। सो मैक्सिमम ये टोन इंडियंस के अंदर है, तो इनका जो स्किन केयर रूटीन होता है उसमें यस क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, सन प्रोटेक्शन तो बेसिक है ही, करेक्ट। बट ये लोग टैनिंग से बहुत प्रोन होते हैं, बहुत इजिली टैन आउट करते हैं एंड जब इतनी इजिली एंड ड्रास्टिक सन डैमेज होगा, यूवी डैमेज होगा एंड टैनिंग होगी तो जाहिर सी बात है पिगमेंटेशन भी होगा। सो इन लोगों का जो स्किन केयर है उसके नाइट रूटीन में हमेशा गिव आउट टू देम समथिंग फॉर स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग, जैसे कि कोजिक एसिड, विटामिन सी,
आपका अल्फा आर्बुटिन, एजिलिक एसिड, ऑल दोस थिंग्स जो भी स्किन लाइटनिंग एजेंट्स की तरह वर्क करते हैं, हेल्प करते हैं यूवी डैमेज को कन्वर्ट करने में टू अ हेल्दी स्किन, वो इन लोगों की स्किन केयर में आप ऐड कर सकते हैं। देन कम्स द पार्ट टाइप 5, दे आर दी लाइट ब्राउन टू ब्राउन पीपल, जिनका जो कलर है वो डस्की कलर, आप डस्की स्किन टोन जो बोलते हैं, वो इसमें फॉल ऑफ होता है। अब डस्की स्किन टोन के अंदर टैनिंग तो भर भर के होती है, एग्रेसिवली होती है, वो थोड़ी देर के लिए भी अगर सन के अंडर में आ जाए, सो दे स्टार्ट लुकिंग डल, डार्क एंड टैंड वेरी इजिली। अ 6 मिनट की सन डैमेज या यूवी डैमेज इन लोगों को 6 मंथ्स का टाइम दे सकती है। दे आर सो प्रोन टू टैनिंग, इनका मेलेनिन सिंथेसिस इतना फास्ट होता है, बट बेस्ट पार्ट, ये लोग स्किन कैंसर से उतना ही दूर होते हैं, दे डोंट लाइक इट एज पर। उसके अलावा इन लोगों का जो भी स्किन केयर का रूटीन रहता है, यू हैव टू डिजाइन इट इन अ मैनर, सन प्रोटेक्शन तो है करेक्ट, दैट इज मैंडेटरी, ताकि और ज्यादा टैनिंग प्रॉब्लम ना करे, और ज्यादा सन डैमेज नहीं हो। बट कॉन्ट्ररी, इनको एक स्किन बैरियर रिपेयरिंग के लिए सेरामाइड लाइक मॉइस्चराइजर एंड हाइलोरोनिक एसिड, जो कि और ज्यादा प्लम्प अप, और ज्यादा मॉइस्चर को रिटेन कर पाए, एंड मैक्सिमम टाइम लाइटनिंग एजेंट्स रिक्वायर्ड रहते ही हैं। एंड यस ऑफ कोर्स, यूवी डैमेज की वजह से आपको फाइन लाइंस एंड रिंकल्स बहुत फास्ट देखने को मिलते हैं। सो टाइप 5 एंड टाइप 6 के अंदर वी यूजुअली स्टार्ट रेटिनॉल्स, कोलाजन, पेप्टाइड्स एज अर्ली एज 25 इयर्स ऑफ एज, जिससे कि उनकी एजिंग या प्री मेच्योर एजिंग को आप अवॉइड कर सको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप 6 होते हैं डार्क ब्राउन पीपल, ओके, जो बहुत ज्यादा दे हैव अ वेरी टैंड काइंड ऑफ स्किन ऑलरेडी बाय जेनेटिक्स बाय बर्थ, एंड इवन विद इन सन बर्न तो भूल जाइए, दे टैन आउट वेरी इजली एंड द टैनिंग गेट्स वेरी डार्कर इन शेड एज दे मूव ऑन। उनको हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है फॉर द सन डैमेज, यूवी रेडिएशन उनको पिगमेंट्री डिसऑर्डर्स, प्रीमेच्योर एजिंग, इवन मेनी अ टाइम्स दे गिव आउट द डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन कंडीशंस ऑल्सो, दे गेट वेरी प्रोन टू द डर्मेटाइटिस एंड ऑल। तो उस चीज से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट के लिए इनका जो स्किन केयर रूटीन है वो भी बेसिक तो है ही है, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, क्लीनिंग द फेस विद अ जेंटल क्लेंजर, बट सेम टाइम पर उनका जो नाइट रूटीन है वो भी थोड़ा सा एग्रेसिव रखते हुए उनको रेटिनॉल एंड विटामिन सी, लाइटनिंग एजेंट्स भी दे सकते हैं। बट यस, स्किन टाइप भी इंपॉर्टेंट है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विद द कलर टोन। कलर टोन जितना इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रीटमेंट या स्किन केयर को डिसाइड करने के लिए, उतना ही स्किन टाइप भी है, सो वो भी इम्पॉर्टेंट, उसको ध्यान में रखते हुए आप स्किन केयर और ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। अब रही बात ट्रीटमेंट्स के अंदर, जस्ट एन एग्जाम्पल, इफ आई टेक अप हाइड्रोफेशियल, हाइड्रोफेशियल के अंदर जो मैं इंटेंसिटी स्क्रबर की, इसके अंदर में टाइप 1 के अंदर में आई विल कीप इट वेरी लो, वहीं टाइप 6 के अंदर या टाइप 5 के अंदर आई विल कीप इट अ लिटिल हाई, क्योंकि यहाँ क्लॉगिंग के चांसेस ज्यादा होंगे या सन डैमेज के चांसेस ज्यादा हैं, यहाँ तो डायरेक्ट बर्न है, सो इसीलिए जब मैं लेजर हेयर रिमूवल या लेजर की कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी ट्रीटमेंट टेकअप करूंगी इन क्लाइंट्स के अंदर, आई विल कीप द इंटेंसिटी वेरी लो, रीजन बिकॉज यहाँ डायरेक्ट बर्न होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनको हाई इंटेंसिटी में शूट करना शुरू कर दूं, नहीं ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू बी प्रिकॉशन विद एवरी स्किन टोन, एवरी स्किन टोन डिफरेंट है, तो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी भी चेंज होगी एज पर द मशीन, एज पर द स्किन टाइप, एज पर द ट्रीटमेंट या कंडीशन एंड एज पर द स्किन टोन, विच इज ऑलवेज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ फिट्ज़पैट्रिक स्केल। आई होप गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हमने कलर टोन्स को लेके आपको जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, हमें ये काफी ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, उसको हमने डिटेल में आपके सामने लाया है कि किस तरीके से टाइप 1 से टाइप 6 के अंदर डिफरेंट कलर टोन्स होते हैं, उनको आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, स्किन केयर को कैसे ले सकते हैं। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन बाकी है, कमेंट दैट डाउन बिलो एंड वी विल गेट बैक टू यू। एंड अगर आप यहाँ नए हैं एंड यहाँ बार बार भी आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग नॉलेज एंड काफी ज्यादा अपने करियर के अंदर ग्रो करना चाहते हैं विद स्किन एंड हेयर, देन व्हाट आर यू गाइस वेटिंग, गो एंड डाउनलोड ग्रे स्किन एकेडमी ऐप, वहां पर हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं रिलेटेड टू स्किन एंड हेयर,
एंड वी प्रोवाइड यू ऑथेंटिकेटेड गाइडलाइन एंड प्रॉपर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के वीडियोस के साथ कि किस तरीके से आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कंडक्ट कर सकते हैं. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गो लर्न एंड ग्रो. फॉर टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.